अभी आवाज आ रही है क्या? ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। और अभी डिजिटल के अंदर जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं की मैप की, रिमेम्बर? और कल बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे के मैप के, कुछ और क्वेश्चंस पेंडिंग है उनको आज टैकल करेंगे। और उसके बाद एक दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो यूनिवर्सल गेट वाली जो आइडिया है, याद है? उस पर भी हमने काम नहीं किया है। नैंड गेट, नॉर गेट, यस, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। तो उस पर भी काम करेंगे, जो यूनिवर्सल गेट वाला आइडिया है उसको भी क्लियरली ऑब्जर्व करके चलेंगे, है ना? यस, ठीक है। तो एक बार जरा मैं आगे चलता हूं और डायरेक्टली जहां कल क्वेश्चंस हमने रोके थे, लुक एट दिस क्वेश्चन, एक बार मुझे याद दिलाई, यही क्वेश्चन था ना, यहां से हमें आगे बढ़ना है। तो भाई जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि सही आंसर क्या होगा। दिस इज गेट 2007, 2 मार्क क्वेश्चन। यस, ये वाला केस ट्राई किया आपने, जहां पर बहुत सारे टर्म्स आपके पास गिवन है और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट टू फंक्शन एफ। इक्वल पूछ रहा है कि नॉट इक्वल पूछ रहा है? नॉट इक्वल पूछ रहा है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट, नॉट इक्वल पूछ रहा है। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ये एक बार हमें देखना होगा। अच्छा, अगेन जरा एक दो चीजें मैं ध्यान से आपसे पूछूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन का के मैप से वैसे डायरेक्टली कोई लेना देना है? मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाया हुआ है के मैप, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, है ना? बट इस क्वेश्चन का डायरेक्टली के मैप से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, कभी कभी के मैप बहुत सारे एफिशिएंट तरीके दिखा सकता है करेक्ट आंसर तक पहुंचने के। अब एक दो छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करिएगा, आपको जो फंक्शन गिवन इसने दिया उसमें इसने मिन टर्म्स लिखे हुए हैं, ये बात समझ आ रही है सभी को? ओके क्या मैं ऐसा करूं कि इन मिन टर्म्स को यूज करके खुद से फंक्शन लिखूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये जो इसने लिखे हुए ये ऑप्टिमल है क्या? नहीं, ऑप्टिमल तो नहीं है। तो हो सकता है आप कुछ और लिखो, इसने कुछ और लिखा हो और मैच ना हो। डज दैट मेक सेंस? हो सकता है हम कुछ और लिखें, इसने कुछ और लिखा और मैच ना हो। तो इस तरह के केसेस में एक ही तरीका है, या तो आप वन बाय वन इनके मिन टर्म्स ऑब्जर्व करें, या बजाय डायरेक्ट देखने के मैप के ऊपर पेयर में ऑब्जर्व करना शायद आसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इसने वैल्यूज बोली हैं वो एक बार मैं भर लेता हूँ, है ना? तो इसने कहाँ कहाँ बोला है, 0 पर मिन टर्म है, उसके बाद 4 पे है, देन 5 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 9 पे है, 13 पे है और 15 पे है। क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का, मुझे बताएं? इसमें मुझे कुछ नया तो सिखाना नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर है डी। चलो जरा डी के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। इसने बोला एक्स बार, वाई बार, जेड बार। नाउ वाई बार, जेड बार और एक्स बार, तो आई थिंक एक पेयर इसने ये बनाया है, पहले वाला एक्स बार वाई बार जेड बार ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक्स बार वाई बार जेड बार चलेगा, ये एक पेयर हो सकता था। यस, हालांकि इसी से समझ आता है इसको बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, 8 9 के साथ हो जाता और 0 4 के साथ हो सकता था, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार, नॉट डब्ल्यू बार डब्ल्यू एक्स बार, आई एम सॉरी, डब्ल्यू एक्स बार इज अगेन दिस कॉलम एंड साथ में वाई बार, एक ग्रुप इसने ये बना लिया 8 और 9 का, ये भी समझ आ गया। नाउ दिस रिप्रेजेंट 0 एंड 8 एंड दिस रिप्रेजेंट 8 एंड 9 एंड डब्ल्यू बार वाई। नाउ दिस इज डब्ल्यू बार और डब्ल्यू बार के साथ वाई, डब्ल्यू बार के साथ वाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। अच्छा, सिर्फ डब्ल्यू बार वाई, आई एम सॉरी, ये पूरा लेके चल रहा है, ये तो एलिमेंट ही नहीं है। तो 100% ऑप्शन डी इज इनवैलिड,
वो इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और वही आपसे पूछा था नॉट इक्विवेलेंट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं? हालांकि आप मुझसे पूछेंगे इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट है या हमको सारे ऑप्शंस चेक करने ही पड़ेंगे, मुझे बताएं। अब या तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप डायरेक्टली पहले डी ऑब्जर्व कर लें, इजंट इट, या कोई तरीका नहीं है। बिकॉज ऑप्टिमल हो तो मैं खुद से सॉल्व ही कर लूं, ऑप्शन इसने खुद से बनाया है तो उसी के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? यस यस ओके। अगला पैटर्न ऑब्जर्व करिए, ये क्या था? अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट कारनॉट मैप गिवन बिलो। अच्छा, ये फंक्शंस हैं, और ऑब्वियसली क्या यहाँ पे कारनॉट मैप भी पहले से गिवन रहा होगा? जी हाँ, आपको बताना है इसमें से वो कौन है जो इस कारनॉट मैप को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, डज नॉट इम्प्लीमेंट। बताइए जरा कैसे ऑब्जर्व करें। तो अगेन यहां पर y कॉमन लिया है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए और बी अगर आप गौर करेंगे तो यू विल फिगर इट आउट। ये तो मोर एंड लेस सेम बात है, y कॉमन ही तो लिया है, इजंट इट? ए और बी तो सेम बात है, और अगर मैं इसके हिसाब से ऑब्जर्व करूं तो पहला पेयर है एक्स वाई, तो पहला पेयर है एक्स वाई, ये एक पूरा रो बनता हुआ नजर आ रहा है, सही लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा लिया है वाई डब्ल्यू, नाउ दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज वाई, ये चार का ग्रुप नजर आ रहा है। तो क्या ये दोनों ही ग्रुप परफेक्ट बने हुए हैं? जी हाँ, मिन टर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए और बी को बाहर कर दूं क्योंकि ये तो सही काम कर रहा है, क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? ऑप्शन ए और बी तो सही काम कर रहा है, ओके। अब आ जाता हूं ऑप्शन सी को चेक करने के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, सी जो लिखा हुआ है वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है, वेरी गुड, पीओएस में है ना। तो या तो एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि आप पीओएस के हिसाब से ऑब्जर्व कर लें इस क्वेश्चन को, यस और नो? यस, वो भी तरीका हो सकता है ऑब्जर्व करने का। तो एक बार आप नंबर छोड़ दें, जरा बस मुझे ये बता दें जीरो के हिसाब से अगर ग्रुपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये वाला जो जीरो है या इस वाले जीरो के पास क्या ऑप्शन है? इस वाले या कॉर्नर वाले जीरो से पूछूं? ये वर्टिकल नहीं ले सकता, कॉर्नर वाले को तो कॉर्नर का ही ग्रुप लेना पड़ेगा, यस और नो? यस। उसके बाद ये जो जीरो है, इसके पास चार का पेयर बनाने का कोई तरीका है? चार का पेयर ये बना सकता है लाइक दिस, डज दैट मेक सेंस? हाँ, बना सकता है। और ये जो दोनों जीरो बचे, इनके पास भी शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम गोइंग दिस। मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, अब अगर आप नाम देखना चाहें तो वैसे यहां से देख के मुझे नजर आ रहा है इसका नाम क्या, W बार Y बार है ना, बट इनका W बार डॉट Y बार, बट एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो सर? फोर टॉप नंबर से बताओ, ऑक्टेट बन रहा है क्या? अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, एक ऑक्टेट बन सकता है। तो अब देखो इस बात को फिर ऑब्जर्व करना, इस बात को ऑब्जर्व करो, ये कॉम्बिनेशन से आइडिया देखना ध्यान से, एक बात समझो, ये बात समझ आ रही है कि यहां से अगर देखेंगे तो ये नीचे के चार और ये ऑक्टेट बन सकता है ना। लेकिन अब 100% एक बात समझ लो, अगर हम ऑक्टेट बना के कंपेयर करेंगे तो मैच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने कहीं लिखा कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमल है, नहीं, हम गलत कर देंगे, उसने नहीं लिखा ये फंक्शन मिनिमल है। तो जो पैटर्न में पहले फॉलो किया है ऑप्शन ए ऑप्शन बी के लिए, वही पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए कि जैसे ये बोल रहा है उसके हिसाब से फिल कर लो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर अपन, इसने कहीं लिखा नहीं ना ऑप्शन में मिनिमल है, तो जैसा ये बोल रहा है उसके हिसाब से फिल कर लो तो बात सही रहेगी। तो मैं काम कर लेता हूं, आप मुझे बताएं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड की कहानी है ना, कोई बात नहीं, अगर मैं मिन टर्म्स के हिसाब से लिखूं, डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड, और इधर हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई, कौन सा बड़ा काम है?
एक्सक्यूज मी, एक्स प्लस वाई लाइक कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ उल्टा जगह लगता है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ कौन सा पेयर बनाया इसने, कह रहा डब्ल्यू एक्स, अभी पहले दो कॉलम में मिलेगा डब्ल्यू और लास्ट दो में मिलेगा एक्स, तो डब्ल्यू पहले दो में मिलेगा डब्ल्यू, सही बात है, और साथ में लिख रहा है, अच्छा मैं सॉरी ये देख रहा था, ये मिलेगा एक्स, तो ये एक ग्रुप ये बना रहा ऊपर का चार, फॉलो कर पा रहे, एड्रेस बाय एड्रेस में चल रहा हूं। अगला देख लो, डब्ल्यू बार वाई, ऊपर लास्ट के दो कॉलम में मिला डब्ल्यू बार और वाई वाई वाई, फर्स्ट और लास्ट में मिल रहा है वाई, तो आई थिंक ये बनाया इसने, ये चार सही है क्या? दिस इज डब्ल्यू बार एंड दैट इज वाई, फर्स्ट एंड लास्ट रो, नाउ दिस इज ऑल्सो गॉन, उसके बाद वाई बार एक्स, एक्स बार वाई, एक्स बार वाई, ना एक्स बार वाई, तो एक्स बार वाई ये लास्ट वाला आपको मिल जाएगा लाइक दिस, है ना? तो आप मुझे बताएं, इसने अगेन भले ही ऑप्टिमली ना किया हो, भले ही ऑप्टिमली ना किया हो, बट क्या सारे मैक्स टर्म्स कवर कर लिए? है ना? तो ये एक्सप्रेशन ऑप्टिमल नहीं है, बट एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारे के सारे एलिमिनेट होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। हाँ वो हमें पता है, वो हमें पता है, बट अब आप की ये कॉल है रुपेश रंजन जी, रुपेश बोल रहे हैं कि सी को सॉल्व करेंगे तो एयर भी आ जाएगा, बट सी को सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हैं, हमको बहुत सारे ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, इट्स योर कॉल। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं जहां पीओएस की जरूरत पड़ी है, तो मैंने आपको एडवाइस किया डायरेक्ट पीओएस में स्टडी करो, क्या आप किसी भी पीओएस का ब्रैकेट ओपन करके उसको एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट हो सकता है एग्जामिनर ये चाहता हो, है ना? एंड मे बी दैट इज अ टाइम टेकिंग अप्रोच, नाउ इट इज ऑनली यू नो ऑल अप टू यू, आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं क्या? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई करें, आप पीओएस के में आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लीजिए, है ना? ये बात तो अब मुझे पता नहीं, जो लोग सुबह शाम क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है मैं क्वेश्चन रट के आता हूँ? नहीं भाई, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा होता हूँ, और अलग अलग आइडियाज अलग अलग अप्रोचेस हैं, नाउ इट डिपेंड्स की है ना कब कहाँ कौन सा आइडिया अच्छा काम करे। जैसा अभी इसमें सोचा हमने कि यार पेयर बना लेते, फिर लगा नहीं हम पेयर बनाएंगे, इसने तो ऑप्टिमल दिया और जरूरी नहीं है, तो उसी हिसाब से ऑब्जर्व कर लिया ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन, अब मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना के कर रहा था, हाँ तो वही वही पॉइंट है, ऑप्टिमल बना के कर रहे थे, बट जब गौर करेंगे तो समझेंगे इसने कहीं नहीं लिखा कि ऑप्टिमल की बात कर रहा है। इसका आंसर बताओ क्या आया, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इज। अभी देखिए पहले बहुत समय के बाद एक आइडिया अपने को मिला जहां पे तीन वेरिएबल पे है। देखिए अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करिएगा, वो क्या, के मैप बनाया हुआ है मैंने, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में के मैप सहूलियत के लिए बनाया है, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं आपको लग रही जरूरत है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। ये जो एक्सप्रेशन है ये एसओपी में है कि पीओएस में, मुझे बताएं। 71% लोग आंसर कर रहे हैं ए, नहीं ना ये एसओपी में है भाई ना ये पीओएस में, मिक्स करके लिख दिया इसने, इजेंट इट, क्योंकि अंदर यहाँ पे सम टर्म्स है फिर प्रोडक्ट है लाइक दिस, तो इस तरह के केस में बेटर है, अभी मैं लास्ट मोमेंट पे जो बोल रहा था उल्टा बोलूंगा, यहाँ पर बजाय इसके कि आप इसे एसओपी और पीएस में लाने की कोशिश करो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो बात खत्म। बात समझ आ रही है क्या? इसको पीओएस बनाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? इसको पीओएस बनाना मुश्किल होगा, तो बेटर है ब्रैकेट ओपन करो और देख लो क्या होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, और आधी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट बता दीजिएगा, जब ये ए बी बार, ए बार सी बार से मैच करेगा तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इधर ए बार है, तो पहला टर्म जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए बी बार, इधर से देखूंगा फिर ए है ए बार है, खराब हो जाएगा, इधर से करूंगा तो मेरे को मिलेगा ए बी बार सी, और फिर नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, इधर से इधर देखूंगा फिर खराब हो जाएगा, इधर से आगे बढ़ूंगा तो मेरे को मिलेगा ए सी बी बार, इन सभी के अंदर ए बी बार नजर आ रहा है, अगर वो आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस सी प्लस सी, यस, नाउ दैट इज नथिंग बट वन, आंसर आ जाएगा ए बी बार, बात खत्म।
है ना। तो के मैप की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं, के मैप की जरूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों ने गड़बड़ किया एक बार ऑब्जर्वेशन करो भाई, कहाँ गड़बड़ किया और क्यों किया, बताओ जरा, रिलेट कर पा रहे हो क्या? यस ओके, गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन, गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन ये ट्राई किया है क्या, बताओ? देखो सारे क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन है स्लाइड में, मतलब 100 से ऊपर क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का एक ही तरीका है कि आप होमवर्क करके आओ, इजंट इट? अगर मैं सारे क्लास में करने लगा तो बस फिर हो जाएगा काम, फिर तो 2 महीना यही चलेगा। यस, तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते सर टाइम बढ़ाइएगा, अगर सॉल्व नहीं करके आएंगे तो यहाँ नहीं सॉल्व किया जा सकता। मैं सिर्फ क्रॉस चेक करा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हर एक ऑप्शन मैच करा दूं, ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं सॉल्व कर सकूं, है ना? ठीक है, तो ये 84% लोगों ने किया है, इसका मतलब समझ आ रहा है। आप देखिए अलग अलग तरीके देखिए, यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन दिया मिनिमल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन, इसने क्या मिनिमल डायरेक्ट मिनटम्स बताया आपको? नहीं, इसका मानना है कि एक्सप्रेशन बनाया और फिर मिनिमल पूछ रहा है, द मिनिमल एसओपी फॉर्म इज, क्या इस बार के मैप की जरूरत है आपको? हाँ, मिनिमल पूछा है तो भाई के मैप लगेगा ना, लेकिन पहले फिल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बताना नहीं चाह रहा है, तो फिल कर लेते हैं। पहला टर्म ये बोल रहा है पी क्यू, अभी पी क्यू ऑब्जर्व करोगे तो पूरा कॉलम नजर आ रहा है, तो ये पूरा फिल कर लिया। यस, अगला बोल रहा है पी बार क्यू आर, नाउ दिस इज पी बार क्यू और साथ में चाहिए आर, तो 6 और 7 नंबर मिल गया, गौर कर पा रहे हो क्या? एंड लास्ट वन इज पी बार क्यू, पी बार क्यू आर बार एस, ये नंबर भी मिल गया। अब एक बार आप बना लोगे तो समझ आता है इसको अकेले करने का कोई मतलब बनता नहीं था। कैसे ग्रुपिंग करोगे? 12 के पास कोई ऑप्शन नहीं, इस तरह का पैटर्न पहले भी अपन ने सॉल्व किया है, ये एक बनाना पड़ेगा, ये एक बनाना पड़ेगा। देखिए जरा फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो पी बार क्यू तो एज इट इज, पी क्यू तो एज इट इज अपने को मिलेगा, पी क्यू प्लस ये क्यू एस भी अपने को मिलेगा, नाउ दैट इज क्यू क्यू आर, आई एम सॉरी, क्यू आर मिलेगा, ये बच्चा बस गड़बड़ किया था, क्यू और एस इधर से मिलेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? क्यू एस मिला, क्यू आर मिला, पी क्यू मिला, ऑप्शन ए इसका करें। सर एक रूल बनाओ, अगर 80% राइट आंसर आए तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ये कोई डेमोक्रेसी की वोटिंग नहीं हो रही, एक बच्चे को भी प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे कंसीडर करूंगा, इजंट इट? क्योंकि जब आप उस बच्चे में 20% में होंगे तब आप उस दर्द को समझ पाएंगे। इस बात को समझिए, यहाँ परसेंटेज के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास को, मैं 4-5 या टॉपर्स को पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, नहीं, टीचिंग में ये बात जायज नहीं है, हर बच्चे का डाउट जेन्युइन है। अब वो अपने तरफ से तो पूछ ही रहा होगा, कभी कभी मैं डांट देता हूँ, वो मेरा प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करूंगा। यस, इधर आइए, गेट 2013, गेट सॉरी दिसंबर 2013 नेट का क्वेश्चन है, बताइए जरा ऑब्जर्व करने के बाद क्या आंसर होगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इज, ये फंक्शन लिखा है एक्स वाई जेड, मेरे ख्याल से इसने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बट क्या ये आपसे कैनोनिकल फॉर्म पूछ रहा है? मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, इसने वो टर्म भले ही नहीं लिखा बट एक्सपेंशन की बात कर रहा है ना, एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सपेंशन लिखा है, तो शायद ये आपसे क्या पूछ रहा है, कैनोनिकल फॉर्म। अब इतना पढ़ने के बाद ऐसा पूछोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ये बोल रहा है एक्स जेड बार, ये बोल रहा है वाई जेड बार, ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना, X1 है, Z 0 है, Y नहीं है, तो दोनों कॉम्बिनेशन लूंगा, इधर से मिलेगा 4, इधर से मिलेगा 6, याद है ना तरीका, इधर X मिसिंग है तो 0 1 दोनों लूंगा, Y होगा 1, Z होगा 0, इधर से मिलेगा 2, इधर से मिलेगा अगेन 6, तो कितने टर्म मिले? 3 टर्म मिले, 2 4 और 6, जरा बताओ 2 4 और 6 किस में है? 65% लोग बोल रहे हैं सर डी में है, 1 1 0 जी हाँ 6 मिला, 1 0 0 जी हाँ 4 मिला, 0 1 0 जी हाँ 2 मिला, बात खत्म। ये इतने फिर लोग गलत क्यों कर रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को अगर कोई 30-40% लोग गलत कर रहे हैं, किसकी गलती हो सकती है मुझे बताओ एक बार, ताकि मैं कम से कम अपने मन को तो इत्मीनान दे लूं।
इतना पढ़ने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, होमवर्क देने के बाद, अगर 40% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे, के मैप भी मैं बना के दिया था, प्रॉब्लम क्या है भाई, है ना? अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मूड की प्रॉब्लम है सर, अच्छा, बट इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, आज की तारीख नोट करके रख लीजिएगा। अब आप वादे से पीछे हट रहे हो, बाद में मेरी गलती मत निकालना, पता नहीं यार, ऑनलाइन क्लास ना, ऑनलाइन क्लास तो मैं कहां, पढ़ाई वढ़ाई होती है, सब खाना पूर्ति वाली बातें हैं। तो भाई प्रयास करना, एफर्ट करना, आपकी बात, आपका काम है ना? और एक चीज आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें तो घुमाता है कि नहीं घुमाता है, डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे चलेगा, कुछ तो ट्विस्ट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा था क्वेश्चन समझने में तकलीफ होती है, भाई इस बात को आप समझो। कल हम बात कर रहे थे SBI क्लरिकल में कितनी सैलरी मिलती है, SBI में क्लर्क बनने पे कितनी सैलरी मिलती है, ₹40,000 तो नहीं मिलती भाई, ₹40,000 तो ऑफिसर को नहीं मिलती, पीओ को नहीं मिलती। हाँ, आज से 3-4 साल पहले मुझे याद है, ये मान लीजिए 18 से 20 हजार से शुरू होता है, अभी हो सकता है कुछ बैंक में 22 से 25 के करीब होगा मेरे ख्याल से, जो मेरा अंदाजा है 20 से 25 के पीछे, मान लीजिए डिपेंड्स ऑन द बैंक, है ना? इधर जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 20-25 हजार रुपए महीना आप टैक्स भर रहे होंगे। मैं 12 लाख का पैकेज मान के चल रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। जब गेट से जाएंगे 12-15 लाख तो बहुत नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। सारी सेविंग करने के बाद जितना SBI क्लर्क कमाता उतना तो टैक्स भरोगे आप महीने का, है ना? तो हलवा है क्या भाई, इस बात को समझो। जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि ये मुश्किल काम है, मैं कब बोला आसान है, मुश्किल है, इसीलिए तो पैसे मिल रहे हैं, वरना तो हर कोई क्वालिफाई कर लिया होता। ये SBI का क्लर्क नहीं है भाई, इस बात को समझना है। तो जब भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा, उन पैसों को याद करना है, अपने आप को मोटिवेट तो करना है ना। अब पैकेज तो बड़े चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में बैठना है ना, एयर कंडीशन केबिन होने चाहिए, टीम आउटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान पूछिएगा, दिमाग नहीं है बस हमारे अंदर, बाकी सब कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्वेश्चन घुमाएगा, वरना तो पूरे दिन। अब एक बात समझो, जिस काम में दिमाग नहीं लगता उस काम को करने के पैसे नहीं मिलते। हमारे खाते में ₹1,000 जमा कर दो, खाता नंबर डाल रहे हैं, चिट देख रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान काम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेंटल काम नहीं है, रिपीटेटिव काम है, लेबर वाला काम है, चिट मिला ये जाके मैच कर लिया। अरे भगवान, अगर किसी ने पुराने जन्म में पाप किया तो उसको कौन सी सीट देंगे, पासबुक भरने की। सब रिटायर्ड लोग खड़े हुए हैं, पासबुक भरवानी है हमें। अरे भैया, पासबुक ना हो गया, बवाल हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे तो अभी नहीं पता मेरे खातों की पासबुक है कहाँ, भर रहे हो सुबह शाम तक पासबुक फिर। तो भाई ये काम मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन आसान काम करना है तो फिर कुछ और करिए, और फिर वैसा ही पैसा मिलेगा, है ना? देखो, अगर आप नहीं पढ़ रहे, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर आप नहीं एफर्ट कर रहे और आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा सेटिस्फाइड आदमी इस दुनिया में नहीं है। आप बहुत खुश रहेंगे जीवन में, है ना? इस बात को समझिएगा, आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम आपको पता होते हैं पहले से। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप, कोई कहता है सर रिजल्ट का पता नहीं कैसा होगा, अबे तुम्हें नहीं पता रिजल्ट कैसा होगा तुम्हारा, पढ़ तो तुम ही रहे हो या ना भी तुम ही पढ़ रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। अगर उससे वाकिफ और फिर भी ये काम कर रहे हो, देन आप बहुत अच्छा काम करोगे जीवन में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सर मेहनत तो हम करेंगे 20,000 वाली, नौकरी चाहिए 2 लाख वाली। भाई ऐसा नहीं होता, मंजर मस्जिद कहीं जाके देख लो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 20,000 वाली मेहनत करोगे ऐसा ही काम मिलेगा, बात खत्म। Isn't it? यही तरीका है।
तो आप क्लियर हो जाओ, है ना। पहले क्या कर लो, उल्टा कर लो, मैं देखो तो रिवर्स अप्रोच है। आप लिख लो कि आपका कितने रुपए में खर्चा चल जाएगा, एक एनालिसिस कर लो, हिसाब किताब लगा लो। लोग बोलते हैं ना, गोल्स लेके चलते हैं, 50 साल तक मेरे को ये करने का है, 40 तक ये करना है, 30 तक ये करना है। राइट योर गोल समवेयर एंड देन देखो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। इजंट इट, उल्टा करो, उसके लिए देखो कितना पैसा चाहिए और फिर देखो उस पैसे के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, वरना मैं आपको ऐसे ऑटो रिक्शा दिखा दूंगा जो अपने ऑटो रिक्शा में लिखते हैं लैम्बोर्गिनी। सेटिस्फाइड आदमी है, कह लो ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो ऑटो रिक्शा पे स्टिकर लगाना है या सच की लैम्बोर्गिनी लेनी है, वो आपके हाथ में है। यस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2011 वन मार्क क्वेश्चन है। द सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। मुझसे किसी सवाल में मत पूछिए कि के मैप की जरूरत है कि नहीं है। अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आप डिसाइड करें, मैं तो ऑप्शन देके चल रहा हूं जी। तब 3 दिन नेटवर्क की क्लास नहीं होगी। ओके, तो यहां पे 87% लोग बोल रहे हैं, 87%, 86% लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी। कोई बात नहीं, अब अगेन मैं आपसे वही पूछूंगा, कैसे इसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलो के मैप पे तो काम करना आपको आता है, इजंट इट? के मैप पे तो काम करना आता है। कुछ और आइडियाज ऑब्जर्व करते हैं। ये जो इसने लिखा है, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा है मुझे बताओ जरा। ये लिखा है पीओएस में, उसमें भी क्या कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ अच्छा लिखा है, तो फिर मैं ऐसा पढ़ लूं, दिस इज 011 सो दैट इज 3, दिस इज 010 सो दैट इज 2, एंड दैट इज 001 सो दैट इज 1। 3 मिनटम है 1 2 3, सही बात है, सॉरी 3 मैक्स टर्म है 1 2 3। अब अगर 3 मैक्स टर्म है तो फिर मिनटम कौन हुई? मिनटम हुई 0 4 5 6 7, है ना। आप बोल रहे ऑप्शन बी सही है, जरा चेक करना। सिर्फ पी लिखा है, पहला 1, बाकी के चारों कॉम्बिनेशन, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, मिल गए चारों। उसके बाद क्यू बार आर बार, दोनों 0, पहले के दोनों ऑप्शन, दिस इज 3, दिस इज मैंने 0 गलत लिख दिया ना, दिस इज 0 0, अच्छा सॉरी, दिस इज 0 0, दिस इज 0 एंड 1। तो हाँ इधर मिलेगा 0 और इधर मिलेगा 4, 4 हमारे पास पहले से 0 में मिल गया। क्या सारे मिनटम्स मैच हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप पूछोगे क्या यही एकमात्र तरीका? नहीं, आपकी मर्जी है, के मैप से कर लो, आपकी मर्जी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो मिनटम मैक्स टर्म में। अल्टीमेटली मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी? और मैं वही चाह रहा हूं, आप मुझसे मत पूछो करो बार बार, अपना विजडम लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और फिर सोचो कि अच्छा यार इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, अभी सब पता है आपको। ए प्लस बी प्लस ए बार ए प्लस बी का होल बार इज इक्वेलेंट टू। अब ये तो क्वेश्चन आप सिंपल एक्सप्रेशन का भी मान सकते हो, इजेंट इट? कुछ लोग मैसेज करके परेशान करते हैं, उनको कैसे इग्नोर करें? ये देखो पहला ग्रुप, ये देख रहे हो 57 अनरीड मैसेज, 23 अनरीड मैसेज, 2 अनरीड, 21 अनरीड, ये देखो
मेरे फोन में ये कैसे पता लगता है कितने अनरीड है? 90% ऑफ द मैसेजेस अनरीड होते हैं, मैं रीड ही नहीं करता, बात खत्म हो गई। और इंस्टाग्राम की तो पूछना भी मत, फेसबुक तो मैंने खोला नहीं कितने दिन हो गए। बस ऐसा अपना काम करने का। अगर मैसेज से आप परेशान होने लगो तो यूट्यूब पे तो मुझे इतने मैसेज आते हैं कि मैं 1 सेकंड में एक करूं तब ना रिप्लाई कर पाऊं। सेल्फ डाउट को कैसे कौन कर करें? अपने आप को क्रॉस चेक करके टेस्ट सॉल्व करो, टेस्ट में रिजल्ट आ जाएगा, सेल्फ डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं ओके, चलिए यहां कैसे लिखूं, ए बी प्लस ए प्लस बी का होल बार, या तो इसी को यहां सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? ए बी, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा ए बी, ये क्या बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार, सही बात है। अब ये कौन बना, एक्सोर के एक्सनोर, ये बना एक्सनोर। हे भगवान, मुझे देखना था, मुझे देखना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कितने लोगों ने सही आंसर किया इसका, इसका कितने लोगों ने सही आंसर किया था अंदाजन? 95। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। तो बाकी के जो है सूरमाए हिंद, उनका क्या करना है? बुलियन एक्सप्रेशन है, नेट 2009 मासूम क्वेश्चन है, सॉल्व किया तो बताइए आंसर क्या होगा। ये सर ये नेट वाले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर भी मैक्स लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते। हाँ बस इस सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में मत रहना, बस आराम आराम से चलते, नजर लग जाती बेटा, ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाएगी। ओके तो 82% लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी। अभी स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, तो आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर ले। वैसे इन सबसे कॉमन जेड आता नजर आ रहा है, के मैप बना हुआ है, मुझे लालच आ रहा है, एक्स बार वाई बार जेड। और मैं चलो इसके बाद ही बताता हूँ ये क्या है। अगला क्या लिखा, वाई जेड, नाउ दैट इज वाई एंड दैट इज जेड। और एक आखिरी क्या है, एक्स जेड, नाउ दैट इज एक्स एंड दैट इज जेड। और ये क्लियर कट पेयर बनता नजर आया, मुझे मिला जेड। हाँ जेड सही आंसर है, फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखो ये मैं आपको पर्सनल एक सलाह देता हूँ, ये पर्सनल सलाह देता हूँ। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लग सकता है कि केमैप बनाना हेक्टिक है, इजंट इट, थोड़ी ज्यादा लंबी प्रोसेस है। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी ये मेरा एक्सपीरियंस है, केमैप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सही आंसर पहुंचाता है श्योरिटी के साथ। तो केमैप पे जो खर्चा किया जाता है ना, वो पैसा वसूल करता है। तो कभी कभी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में अपन उलझ जाते हैं, है ना? तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, के मैप फिर भी कोई बहुत खराब टेक्निक नहीं है, पैसा वसूल टेक्निक है, कम से कम नंबर तो दिला के जाएगा। हाँ दिसंबर 2009 नेट में क्वेश्चन पूछा है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो क्या डायरेक्ट किसी फॉर्मेट में तो है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो, है ना? तो पहला टर्म मिलेगा एक्स, दूसरा मिलेगा एक्स जेड, तीसरा मिलेगा वाई जेड वाई एक्स, अगला मिलेगा वाई जेड, और अगला मिलेगा एक्स वाई, और अगला मिलेगा एक्स वाई जेड। अब मैं आपको देखो कॉमन वॉमन लेना नहीं सिखाता, क्या मेरे पास सिर्फ एक्स है? एक बार गौर करो, क्या मेरे पास सिर्फ एक्स है? हाँ है। अच्छा तो वो सारे टर्म जिसमें एक्स आ रहा है, क्या मैं उनको इग्नोर कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी सबसेट है ना? कॉमन लूंगा तो मर ही जाएंगे ना सब, तो इन सबको भगा दो, क्या बचा? एक्स प्लस वाई जेड, आंसर क्या हो गया? सी, बात खत्म। और ये मिस हो गया अभी क्योंकि मैं जल्दी में हूं और शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे हूं, इसलिए मुझे मजा लेने का समय नहीं मिल रहा, वरना इस क्वेश्चन में मैं मजे लेता उनके जो बी आंसर करते हैं। नहीं 1-2% तो यहां भी किया होगा ना ग्लास में, किसी ने बच गया वो, चलो कोई बात नहीं, 5% ने किया, क्या बात कर रहे हो? है ना? तो अब उसके बाद समझ आता है कि क्या
क्या कर सकते हैं बताइए। अगर किसी ने ठान ही ली है सच्ची निष्ठा लगन के साथ, वो लगाओ कुछ भी कर लो मैं नहीं समझूंगा, तो कहते हैं मरे बिना किसी ने जन्नत नहीं देखी और डंडे से किसी को जन्नत नहीं पहुंचाया जा सकता। और एक और बहुत अच्छी कहावत हमारे यहाँ बोलते हैं क्या, कि अगर सारे गधे हज पे चले गए तो फिर भट्टे में ईंट कौन ढोएगा, किसी को तो यहाँ पे ईंट है ना सामान की ढुलाई करनी पड़ेगी। तो अब उनके पुराने पाप कर्म में क्या है क्या बोल सकते हैं, अब यही है सारे आईटी चले गए तो फिर बबलू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी तो जाना है किसी को, नहीं पता है आपको, अगर सारे बच्चे आईटी चले गए भाई तो बबलू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन जाएगा बताओ मुझे, उन्हें भी सीटें भरनी है अपनी। चलिए ओके अच्छा उसका शॉर्ट करके बोलेंगे बिट्स। हमारा एक दोस्त था है ना, वो 7th क्लास तक सबको बोलता था, कोई टीचर बोल रहा उसके पापा कि तुम्हारे पापा कहाँ काम करते, कहता सीबीआई में है। सबको बड़ा अच्छा लगता था यार भाई इसके पापा सीबीआई में है। और थर्ड या 2nd क्लास से हमारे साथ था, ये 6ठी 7वीं क्लास के बाद हमें पता लगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक में काम करते हैं। वो सबको बोलता था हद हो गई, सबको बोलता था कि पापा सीबीआई में है, बच्चे डर के रहते थे यार इसके पापा तो सीबीआई में है भाई। बाद में पता लगा बैंक में काम करते हैं। चलिए सीबीआई में बैठ के पासबुक छाप रहे हैं। ओके तो कैसे किया इसको आपने मुझे बताया, क्या आंसर आप लोग बोल रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं ए, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दूं, तहस नहस कर दूं मामला, कैसे करूं आप बताओ, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पी को जब करना शुरू करूंगा पहला टर्म मिलेगा पी क्यू बार, दूसरा टर्म मिलेगा पी आर, और उसके बाद अगला टर्म मिलेगा पी क्यू बार, और उसके बाद अगला टर्म मिलेगा पी पी क्यू बार आर, सही बात है, ये सारा एक तरफ, उसके बाद पी बार आर बार और क्यू बार एक तरफ, इनको सॉल्व करते हो, डरना नहीं है, जहां डरे वहां मरे, पी से पी बार मर जाएगा, 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 वाह चारों टर्म मर गए। अगले में चलता हूं, तो पहला टर्म मिलेगा पी क्यू बार, अगला टर्म मिलेगा पी आर क्यू बार, अगला टर्म मिलेगा अगेन पी क्यू बार, और फिर अगला टर्म मिलेगा पी क्यू बार आर, पी क्यू बार मेरे पास है बाकी सब मार दो, लो हम ही जीत गए, आंसर है ए, जो बीच में डरा वो मरा, बीच में नहीं डरने का, इजंट इट। कई कई लोग क्या होते हैं ना, 2-3 बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर बीच में अपने आप को भी जैसे बोल रहे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं, चलते जाओ हो जाएगा। यस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक मुझसे स्किप हो गया क्या, यस दिसंबर 2007 का ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करिए आंसर बताइए। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है एक्स वाई और एक्स बार जेड वाई जेड, इस तरह के पैटर्न में बेटर है कि के मैप बनाओ वरना उलझ जाओगे। एक्स वाई 6 और 7, एक्स बार जेड इज 1 एंड 3 एंड वाई जेड, ना वाई जेड इज अगेन दिस, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, इसका मतलब बस वाई जेड यहां से हटा दे, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई और एक्स बार जेड से काम हो जाएगा, ए सही आंसर है, क्लियर कट है यहां, क्योंकि सिंप्लीफाइड करने का बोला है तो के मैप की मदद ले लो, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई डाउट, इसमें भी डाउट आएगा तो कैसे करोगे। ये देखिए जून 2005, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आइडिया देखिए बताइए कैसे करेंगे।
the logic expression this reduces to, again सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, एक्स बार वाई जेड बार, दिस वाई बार, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, अच्छा इसी का ओके ओके, एंड देन ये भी चला गया एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड, क्या बदतमीज, ये मूड और खराब कर देते हैं ये। क्या आंसर है? आंसर है सी। फॉलो कर पा रहे हो? इसको भी किसी ने गलत किया था क्या? मैं देख नहीं रहा हूं जल्दी के चक्कर में, मुझे बताओ जरा, बस मुझे बता दो, कोई था जिसने जिसने इस क्वेश्चन को गलत किया हो? बारह परसेंट ने किया था। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आप सभी को पद्मश्री दिलवा देता सीधे, पद्मश्री भी नहीं, पद्म भूषण। पद्मश्री का लेवल पार कर चुके हैं लोग, सच्ची निष्ठा बलिदान के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल, भारत रत्न उसको मिलता जो एक्स वाई माइनस वाला जिसने किया था, वो भारत रत्न लेवल है। नाउ लुक एट दिस, ए बी बार सी, ए बी बार सी, दिस इज वन, देन ए बार बी सी, ए बार बी सी, दिस इज अनदर वन, देन ए बी सी बार, ए बी सी बार, दिस इज अनदर वन, एंड ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, दिस इज अनदर वन, एंड ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, दिस इज अनदर वन। सही भरा है क्या? अब इसको बताओ कैसे मैनेज, कुछ गड़बड़ भर दिया ना मैंने, एक मिनट रुको, ए बी बार सी, दोबारा से भरता हूं, बल्कि इसको ऐसे भरने से अच्छा डायरेक्ट इनकी मिंटम की खुशबू ले लेता हूं, डायरेक्ट खुशबू ले लेता हूं। कौन हो तुम? मैं 101 हूं, मैं 011 हूं, मैं 110 हूं, मैं 001 हूं, मैं 100 हूं, मैं 5 हूं, कहां हूं 5, ये रहा 5, मैं 3 हूं, ओके 3, मैं 6 हूं, वेलकम 6, मैं 1 हूं, हेलो 1, कैसे हो तुम, मैं 4 हूं, ये लो 4, अब ठीक है, अब ठीक है। 6 कहेगा मैं 4 के साथ जाऊंगा, 3 कहेगा मैं 1 के साथ जाऊंगा, 5 को जिधर जाने का जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। यस, ऑप्शन बी आप लोग बता रहे थे, ए बी बार, ए ए ए, ए बी बार, यानी कि 5 ने फैसला कर लिया, वो 4 के साथ गया है। उसके बाद ए सी बार, नाउ दैट इज ए सी बार डन, एंड देन ए बार सी, ए बार सी, सुहा हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर? ओके, अभी अपन पता है किस मोड में काम कर रहे हैं, है ना? पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हम ट्रॉय मोड में थे, जहां पे एक दुश्मन आता है, दो चार बार उससे लड़ते हैं, है ना, वो बचता है, फिर अपन बचते हैं, फिर वो घूमता है, फिर उसकी तलवार छूटती है, हमारी तलवार छूटती है, युद्ध होता है ऐसा। अभी अपन स्पार्टन मोड में, जब हीरो मारता है ना, खच खच खच, कोई आ रहा है, इसको काट दे, इसको काट दे, खच खच खच, वो वाला। अभी अपन स्पार्टन मोड में आ गए, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा। यस, ओके, नाउ गेट 2004 टू मार्क क्वेश्चन। Which of the following expression is equivalent to this? अब ये जो है ये एक बड़ा प्यारा expression है, it's very प्यारा। Why it is very प्यारा? Because you see, ये बड़ा you know बाद में काम आता है। अभी आप जब combinational circuit पढ़ोगे ना, yes, it gives zigzag pattern। Combinational circuit पढ़ोगे तो ये याद दिलाता है किसकी? Combinational circuit पढ़ोगे याद दिलाएगा किसकी? याद दिलाता है आपको adder की, है ना? अभी जब अपन फुल एडर पढ़ेंगे वहां ये काम आएगा, बट चलिए एक को अगर मैं एक्सपेंड कर लूं तो अंदर क्या लिखा हुआ है। तो पहले अगर इस वाले को एक्सपेंड करूंगा, लेट मी गो वन बाय वन, सो दैट इज ए एक्सोर, और एक्सोर किया है सी के साथ, तो इधर मेरे को क्या मिलेगा,
अच्छा कर तो और तरीके सकता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर से मिलेगा ए बी बार एंड ए बार बी, यस को ऐसे छोड़ लेता हूँ। एक चीज आपसे पूछ लूँ, तीनों में एक्सॉर है ना, तीनों में एक्सॉर है। एक और चीज सिखाता हूँ, एक्सॉर में वन कब आता है, प्रॉपर्टी याद है आपको, एक्सॉर में वन कब आता है, एक्सॉर में वन आता है जब नंबर ऑफ वन ऑड होते हैं, सही है कि नहीं। नंबर ऑफ वन देखना जरा, नंबर ऑफ वन ऑड कहाँ है, 0 1 1 0 1 0 0 1। हमें पहले से पता है 1 पे 2 पे 4 पे और 7 पे आएगा, 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे, ऐसी तैसी मैं जाता हूँ, हम पढ़ ही नहीं रहे तेरे को, अपने को पता है, अपन अपन लॉजिक गेट पढ़ के आयला है, इजंट इट, अपने को पता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी कैसे सॉल्व होगा, कहाँ डी मॉर्गन के चक्कर में लगे रहते। ये देखो ये पढ़ के अपन ने इसे भर लिया, और ये भर के हमें समझ आया कि ये तो क्या है, ये इनको कैसे प्यार करोगे भाई, इनका कोई ग्रुपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इनका कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकता। अब देखो मैं आपको काटना सिखाता हूँ, अलग लेवल पर जाओगे तो दर्शन होने लगता है, किसी को पत्थर दिख रहा होता है, किसी को भगवान दिख रहा होता है। कितने मिनटम है इसके पास, इसके पास कितने मिनटम है, इसके पास 4 मिनटम है। ऑप्शन ए के पास 2 मैक्सटम है, तो मिनटम 6 होंगे, तो ये गलत हो गया। देखो बिना पढ़े काट डाल रहा हूं इसको, फॉलो कर पा रहे हो बेटा, जब तुमने पीओएस में 2 मैक्सटम लिखे तो मिनटम तो 6 हुए ना, मेरे पास तो 4 है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम गोस टू हियर, जब मिनटम 2 है तो मैक्सटम 6 है, बाहर कर दो, और अब इसको आपकी इच्छा है चाहे तो सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा, तो सी ही सही आंसर है, क्योंकि नन के चांस हालांकि कम होते हैं, बट ऑब्वियसली एग्जाम में होता तो सी को एक्सपेंड करके पूरा क्रॉस चेक कर लेते। बताओ बात समझ आ रही है क्या। अब इतनी भाषा और इतने सारे आइडिया सब पढ़ना सीख गए हो, उनको प्यार से देखोगे पूछोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। बताओ भाई रिलेटेबल है क्या बात। ये क्या है, गेट 2004 1 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्रेशन है, दो ही वेरिएबल पे एक्सप्रेशन है, एक्स बार वाई बार, आई लव के मैप, आई लव के मैप, देन एक्स वाई एंड देन एक्स बार वाई, एक्स बार एंड वाई, इसमें भी लोग उलझ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, के मैप बनाओ ना, Isn't it? जब बंदूक लेके आए हो तो चलाओ, फिर प्रॉब्लम क्या है। सर धीरे से बोलो आई लव के मैप, क्यों क्यों धीरे से क्यों बोलो, मैं तो चिल्ला के बोलूंगा, धीरे से क्यों बोलू, मैम सुन लेंगी, आपकी मैडम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद कोई इस बात को ना समझ पाए कि के मैप से मोहब्बत करना जुर्म है, तो फिर ऐसी मैडम का नाराज होना ही सही है। नहीं अबे के मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ना शी हैज इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम इन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तब अगर उसको भी नफरत है, वो इस बात से चिढ़ रही कि के मैप से क्यों मोहब्बत कर रहा है, तो धिक्कार है ऐसी डिग्री पे, धिक्कार है ऐसी समझ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो के मैप वाले हैं या कुछ कुछ लॉजिक गेट्स के साथ उसको मिक्स कर रहा है। ठीक है जरा ऑब्जर्व करिए, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन बी और डी सेम है, ठीक है तो अगर सही होगा तो आंसर कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आंसर है 67% लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए बी। ओके तो इसको कैसा ऑब्जर्व करेंगे, सर मैम भी पढ़ाती हैं, हाँ मैम मुझे पढ़ाती हैं फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी क्लास खत्म हुई थी बस मेरी, इधर आइए। अच्छा यार इस क्वेश्चन को कर तो और भी तरीके सकते हैं, बट चलो एक बात आपसे पूछता हूँ, कैसे रिजल्ट तक पहुंचे, इधर ए है इधर बी है, फॉलो कर पा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताना,
इधर क्या लिखा हुआ है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज नेगेशन है ना। नाउ इफ आई टेक दिस नेगेशन फ्रॉम हियर एंड आई पुट दैट हियर, किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। नाउ सिमिलरली इफ आई टेक दैट नेगेशन फ्रॉम हियर एंड आई पुट इट हियर, यस। नाउ दिस इज अ ऑर गेट वेर इनपुट एंड आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड। नाउ एक्चुअली इट इज एंड गेट, इस पर भी काम करेंगे आगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस कैलकुलेशन करना। तो इधर से कौन आया बाहर, इधर से बाहर आया ए बी, इधर से कौन आया, इधर से भाई साहब आया ए बार प्लस बी, और इनका आपने ए बी का जब ए बार प्लस बी से एंड कीजिएगा, ये मर जाएगा, बाहर आएगा ए बी, बात खत्म। बिना एक भी बार डीमॉर्गन लगाए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूं कि जब नेक्स्ट लेवल पे आप चीजों को समझने लगते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व करने लगते हैं। जरा मुझे बताएं, आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आप एक बार डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो एक बार। मैंने नेगेशन को आगे पहुंचा दिया और गेट, हालांकि ये पैटर्न मैं भी आगे अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, नैंड और नॉर पे तो काम करना है, बट वो और गेट जिसका इनपुट आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड हो। अब अगर कोई और गेट है, सोच लो ना इस बात को, उसका इनपुट आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंटेड, तो क्या बचे, क्या बन जाएगा ये, ए बार बार डॉट बी बार बार, नाउ दैट इज नथिंग बट एंड। यस सो देखो, मैं एक बात समझा रहा हूं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में जो एफर्ट कर रहा हूं वो जल्दी करने का कर रहा हूं। सॉल्व तो कोई भी कर ले इसे, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो छी है आपके ऊपर, थू है भाई, इसमें सॉल्व करना कुछ था थोड़ी यार। भाई आपने यहां क्या कर लिया होगा, हद से ये कर लिया होगा, और क्या प्रॉब्लम है, इजंट इट? तो मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, सॉल्व तो कोई भी कर ले इसको, पैसे उस बात के कि जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सर नॉट गेट को भी उल्टा कर कर सकते हैं आगे, नहीं आगे नहीं ले जा सकता ना इस लाइन पे, इसको मैं टच नहीं कर सकता इधर, ये इनपुट लाइन पे इसको नहीं टच करूंगा, किसी भी सिंगल लाइन पे मैं टच कर सकता हूं, इजंट इट? ऐसा नहीं है कि मेरे मौसी ने सर्किट बनाया कि बेटा जैसे चाहे वैसे चेंज कर लेना, रूल्स तो मुझे फॉलो करना है, लाइन में चेंज नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस, गेट 2017, 2 मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। If W, X, Y, Z are Boolean expression, then which of the following is incorrect? इसमें से कौन incorrect है? सर मेरे कुछ कुछ सॉल्व नहीं हो पाए एंड गलत कुछ अभी आफ्टर द क्लास आई वॉज अनदर टाइम रिकॉर्डिंग एंड फिर से, हाँ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अब देखो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं मानता हूँ बहुत सारा काम है, टाइम लगता है, बट टाइम लगाओगे तो होगा, टाइम लगाओगे तो होगा, और जब मजा आता है ना तो सोते जागते फिर वही चीज याद आ रही होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसमें तो इवन आपको मेरा वेट करने की भी जरूरत नहीं थी, यू कैन जस्ट गो एंड क्रॉस चेक ऑन द नेट की क्या आंसर है, इजंट इट? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो आपको सिर्फ यू नो वहां टाइम इन्वेस्ट करना है, इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, जी तोड़ मेहनत करनी होती है तब जाके कुछ होता है जीवन में, नहीं मैं इस बात में यकीन नहीं करता। अगर जी टूट गया आपका, मनी टूट गया, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मजा आएगा तो आप काम करोगे, मजा नहीं आएगा तो काम नहीं करोगे। 2 घंटे की क्लास मैं क्यों पढ़ा पा रहा होता हूँ, आप क्यों पढ़ पा रहे हो, तो क्योंकि आपको समझ आ रहा है, और जिस दिन आपको समझ नहीं आ रहा होता, मैं नहीं मानता आप 2 घंटे क्लास दोगे, आप भाग जाओगे बीच से,
ये कोई कॉलेज तो है नहीं कि पीछे छुप के रहना, आप छोड़ दोगे, ठीक है यार बस अभी नहीं आ रही बात समझ में, और क्या कर सकते हैं। 2 घंटे की क्लास आप देख ही तब सकते हैं जब आप फॉलो कर पा रहे हो, एंड सेम गोज टू होमवर्क। और जब आप चीजों के साथ रिलेट करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, तो फिर आप समझेंगे इस बात को कि यार टाइम कहाँ गया पता ही नहीं लगा, दो दो तीन तीन घंटे साफ होने लगेंगे ऐसे ही। Isn't it? अच्छा, प्लीज चेक ऑप्शन ए इज इक्वल और नॉट। आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन ए इक्वल नहीं है आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, कई लोगों को ऑप्शन ए में डाउट है, सिद्धि को भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अपन फिर, ओ भाई हो, अपन ऐसा गेम नहीं खेलता है, डिसाइड कर लो, एक ऑप्शन सॉल्व करूंगा। अब ये मिसकोड बना के बैठे, बाद में कोई बोल देगा डी, फिर कोई बोल देगा सी। आंसर क्या है इसका, आंसर तो सी है ना, ठीक है चलो ए चेक, ए कर लूं, ए देख लेता हूं क्या कहां अटक गया आप ए में। ये क्या है, डब्ल्यू एक्स है, उसके बाद इधर क्या लिखा है इसने, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, यही लिखा जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किए हैं। तो अब डब्ल्यू एक्स दो बार लिखने का मतलब नहीं बनता, एक्स है तो ये सब लिखने का मतलब नहीं बनता, तो क्या बचा, एक्स प्लस डब्ल्यू, कौन था भाई, मैं कौन कह रहा था मुझे ए में डाउट है, छी मूड खराब कर दिया पूरा मेरा यार। कुछ ऐसा तो देता जो जो कुछ करने का, कौन था भाई ए वाला, इसमें क्या बता भाई, इसमें तो के मैप की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्या करते हो यार। चलो बी देख लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अब मैं सी और डी नहीं देख रहा, उसके बाद बी देख लेता हूँ आप लोग कह रहे हैं तो। ये इधर इसने क्या लगाया है, टोटल पे बार लगा दिया, यस ठीक है। पहले मैं उसको नहीं सॉल्व कर रहा, मैं इंटरनल सॉल्व कर लूं, इंटरनल क्या बनेगा, ये बनेगा डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू एक्स बार जेड बार टोटल का बार प्लस डब्ल्यू बार वाई, सही है क्या? टोटल पे क्या लगा है, कॉम्प्लीमेंट लगा है, कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको, डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, है ना, ये एक तरीका। अच्छा चलो, अलग अलग हम तो गेम खेल रहे हैं ना, कैसे सॉल्व करूं, आम जिंदगी से सॉल्व करूं, मिंटाउस जिंदगी से सॉल्व करूं, ये बता दो, मिंटाउस जिंदगी सॉल्व करूं, ठीक है। तो इसे कोई बात नहीं, इसे ही पकड़ लो, कौन है ये, डब्ल्यू एक्स बार वाई, कहाँ है डब्ल्यू एक्स बार वाई, डब्ल्यू एक्स बार वाई, दिस इज डब्ल्यू एक्स बार वाई, देखना जरा 10 और 11 नंबर, डब्ल्यू एक्स बार वाई यही है ना। दूसरा डब्ल्यू एक्स बार जेड बार, ओके डब्ल्यू एक्स बार जेड बार, यानी कि 8 और 10 नंबर, यस और नो, 8 और 10 नंबर। ये कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़ के सब कुछ, यानी कि बाकी सब जगह अगर 1 भर दूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लो इसको हटा देता हूं, बात खत्म हो गई, ये लो, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। बचा क्या, बचा डब्ल्यू बार एक्स, डब्ल्यू बार एक्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, अब आंसर से मैच कर लो। पहला लिखा डब्ल्यू बार, व्हाट इज डब्ल्यू बार, एक ग्रुप ये बनाया, सही किया है, फिर बनाया एक्स, एक ग्रुप बनाया, सही किया है, फिर बनाया एक्स बार जेड बार, एक ग्रुप ये बनाया, सही किया है, सही लिखेला है, ये लो। वो सोच रहा था कि मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मैंने उसे टच भी नहीं किया, बताओ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? अभी सारे हथियार है अपने पास, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट करने का जरूरत नहीं। जिन लोग को लग रहा था वो मिसमैच हो रहा, भाई मिसमैच नहीं है, मैच हो रहा है, ऑब्वियसली आपने कोई मिस्टेक की होगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, नो नो
सो सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में कल मैंने आपको बताया था, मैं इमोशनल आदमी नहीं हूं, मैं सीधे नो बोल देता हूँ। नो, आप रिकॉर्डिंग देख लिया कोई बात नहीं, टाइम नोट कर लो, लगभग 1 घंटे बाद की रिकॉर्डिंग में लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑप्शन ए, एक सेकंड श्वेता जी, देखिए ऑप्शन ए में डब्ल्यू एक्स पे है क्या? श्वेता क्या जो मैंने गंदगी फैलाई है, अगर मुझसे हटा दूं, पीपीटी थी आपके पास श्वेता? पीपीटी थी आपके पास क्या? हाँ, तो आपको ऑप्शन ए में डाउट आया था क्या? ऑप्शन ए में जिसे डाउट आए उसके उस कमरे में ड्यूटी लगाऊं जहां कोविड वार्ड हो, वो भी बिना किट बिना मास्क के। भगवान चाहेगा तो जिंदा वापस आओगे, नहीं तो जैसी प्रभु की इच्छा। मे ब्रैकेट ओपन करने में भी डाउट आ गया। दोबारा करना हो जाएगा, वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है भाई साहब, क्षमा करिए। इधर आ जाइए, नवंबर 2017, कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी, नवंबर 2017। मेरा एक फ्रेंड हमेशा डिमोटिवेट कर रहा है, एक ईयर में गेट क्लियर नहीं होता है, हमेशा बोलता है 2030 ही आ पाएंगे, 2 साल तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसने खुद 2 साल खुद प्रिपेयर किया था विद वेरी पुअर कंसिस्टेंसी। अब मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, जब भी बोलो कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी चाहिए, होती है तो चिढ़ जाता है, क्या करूं? उसे दोस्त बोलना छोड़ दो, इजंट इट? उसे दोस्त बोलना छोड़ दो। अब मैं एक बहुत सीरियस बात बोलता हूं, मैं एक सीरियस बात बोलता हूं, क्या दुनिया में सबसे बड़ा पाप बताओ क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नकली दवाइयां बेच रहे हैं। चलो मैं दो तीन पाप बनाता हूं। एक पाप है टैक्स चुराना, लोग चुराते हैं, सरकार का हक सरकार को नहीं देते, टैक्स चुराते हैं, ये भी एक पाप है, बहुत लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। एक पाप हो सकता है करप्शन करना, वो भी एक तरह की लूट है ना, करप्शन करते हैं, वो भी एक पाप है। एक पाप आजकल आप देख रहे हैं लोग वेंटिलेटर दवाइयां, उसमें भी यू नो पांच पांच दस दस गुना पैसा ले रहे हैं, एम्बुलेंस के रेट न्यूज आप देखते होंगे। मजे की बात, 4 गुना पैसे में भी नमक का पानी मिला के दे रहे हैं, मतलब वो भी डुप्लीकेट दवाई, पैसा भी ले लिया दवाई भी नहीं दिया, ये भी पाप है। बट इन सबसे बड़ा एक पाप है, इन सबसे बड़ा एक पाप है, वो है किसी को डीमोटिवेट करना, किसी के सपने तोड़ देना। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हो सकता है आपको लग रहा हो ये कम बड़ा पाप है, लेकिन इस पाप ने इतने जुर्म किए हैं दुनिया में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पाप है किसी के सपने तोड़ देना, उसको डीमोटिवेट कर देना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो छोड़ ही दे। इससे बड़ा पाप इस जीवन में नहीं है, है ना? तो आपका दोस्त तो पापी है ही है, लेकिन गांधी जी कहते थे जो जुर्म करता है, जुर्म सहने वाला भी गुनहगार होता है, उस आदमी के साथ बैठना उससे बड़ा पाप है, उसके साथ नहीं बैठने का। नहीं, पांचवी छठी क्लास में हमने पढ़ लिया था, अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। जिन लोगों के साथ आप बैठते हो वैसे ही बन जाते हो,
हिंदी में पढ़ते थे, बुरी संगत से अकेला भला। नहीं और बताऊं कितने मुहावरे होते हैं, बेवकूफ आदमी से दोस्ती करने से अच्छा अकलमंद से दुश्मनी कर लो, कुछ सीखोगे जीवन में। ये सब पढ़े हैं आपने, है ना? और मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को पर्सनली मानता हूं। क्या इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलता हूं, मैं तो कई बार बोलता हूँ ना क्लास में, कुछ लोग बड़े ईगो पे ले लेते हैं, यार ये बहुत क्लास में ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, इसके साथ बात करेंगे अपन को दबना पड़ेगा। नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने से भी लोअर तबके के चंगू मंगू की एक फौज बनाते हैं, 5-6 चाटुकार रखते हैं, उनमें तो अपन ही लीडर है, तो अब अपनी भाईगिरी सही चल रही है। ऐसा नहीं, अपने से बड़ों में बैठो, पैसे से नहीं बात कर रहा हूं, मानसिक तौर पे बात कर रहा हूं, तो कुछ सीख के ही घर वापसी आओगे। अपने से बड़े में बैठना, चाहे उसका पैर दबाना पड़े, जूता पॉलिश करना पड़े, पर कुछ सीख के आओगे। इज्जत मां टेंशन नहीं लेना। अगर आप किसी से सीख रहे हो तो बता गुरु है, गुरु के पैर दबाने में कोई शर्म होनी चाहिए, लेकिन अपने से बड़ों में बैठना है। अपने से घटिया लोगों में बैठोगे तो यही हो जाओगे। आज लिख लो आपकी लाइफ में 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, आप उनका एवरेज हो, बात खत्म। बस अब वो घटिया होंगे तो आप भी घटिया ही बनोगे, वो उदासीन होंगे, वो लेजी होंगे, आप भी वही बनोगे। आप 5 लोगों का एवरेज होते हो, है ना? तो कभी नहीं, कभी नहीं बैठना ऐसे लोगों के साथ। और ये मैं बिल्कुल, अब मैं आपको बता, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता, अपने दिल पे हाथ रखे बोल रहा, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है इन चीजों से। आपको छोटा कंफर्ट लगता है ना यार, अपन बैठ जाते हैं, है ना? अपन शादी में गए, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपन एक शादी में गए, वहां पर अपने बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, है ना? अब अपने को पता होता है ये दूर के भैया हैं यार, ये बचपन से टॉपर वॉपर रहे हैं, ये इतना पैकेज ले रहे हैं, इनके पास नहीं जाना, ये पूछेंगे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। होता है ना, जो पढ़ने वाला कोई बड़ा भाई रिश्तेदार होता है, मौसा मामा होता है, खिंचाई करता, अपन बचते हैं यार, निकल लेते इधर से, कि यार इसके सामने जाएंगे जलील कर देगा बिना बात के। अपन चंगू मंगू में बैठेंगे यार, वहीं अपनी भाईगिरी दिखाएंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बड़े के साथ बैठोगे, कुछ सीख के वापस आओगे। यस, चलिए, एवरेज वाला निकाल लो वाला मस्त। हाँ बिल्कुल, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अच्छे लोगों से बात करो। अच्छे लोग ज्यादा भाव देते हैं क्या? अच्छे लोग ज्यादा भाव देते हैं क्या? नहीं, ज्यादा भाव देते तो बेचारे अच्छे का बनते, लेकिन भाव लेने का, इजंट इट? अभी देखो, ये आपने देखी थी, ये जो ये क्या नाम है भाई इसका, एस्पिरेंट्स, जो अभी टीवी सीरीज आई थी, देखी आपने? ये इसकी हम बात कर रहे थे। अब इसमें ये जो लड़का था हमारा, हीरो जो था नवीन, संदीप भैया इसको स्टार्टिंग में भाव देते थे क्या? संदीप भैया ने भाव दिया इसे? नहीं। तो ये भी तो चंगू मंगू में घुस सकता था जाके, लेकिन देख लो, इलेक्ट्रीशियन तक बनने को तैयार है, लेकिन भैया के साथ 5 मिनट बैठने का मौका मिल जाए, और बाद में भैया को पेल के चला गया, भैया पीसीएस रह गया, लड़का आईएएस बन गया। तो ये एटीट्यूड अपने को लाइफ में रखने का है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके क्लास का बच्चा, कोई भी हो, है ना? चलो, क्या इसने बोला है, फंक्शन है, रिजल्ट आपको बताना है, और गेट लगे हुए हैं, तो बताओ इधर से क्या बाहर आ रहा है? इधर से बाहर आया P प्लस P बार प्लस P3 बार, सही बात है? यस, हाँ, हम उससे दुश्मनी कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल, ये कह रही है कि मैं बेवकूफ से समझदार दुश्मनी भर ली है, मुझसे दुश्मनी कर लो, कि ठीक है, संचित जैन की दुकान बंद कर दूंगा, कर लो दुश्मनी, मैं पढ़ा के दिखाऊंगा। अब भाई गुरु पिक्चर में डायलॉग बोलता है, गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के लड़ना, बहुत मेहनत से कपड़ा कमाईला है मैं, तो मुझसे दुश्मनी करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर पाओगे?
ना दैट इज टी पे दिस पी वन, क्या क्या मुझसे बातें करवाते हो, मजे लेते हो तुम लोग मेरे, दैट इज पी टू एंड दैट इज पी थ्री बार, इन सब का एंड है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं तो तरीके से आपको चीजें प्रोसेस करा रहा हूँ, ये सब एंड होने के बाद तो क्या बनेगा, पीओएस या एसओपी? पीओएस बनेगा। नाम बताओ इसका, नाम क्या है? 011 इसका नाम है, 010 इसका नाम है, 001 इसका नाम है, ये भाई साहब है 1 2 3, यहाँ लिखा है मिन टर्म। इसको लग रहा है अपन मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, बताओ मिन टर्म कौन? सेम तो क्वेश्चन है यार, ये तो किया अभी अपन ने, तो क्या बचेगा? 0 4 5 6 7 बचेगा, बी आंसर है, बताओ सेम बात है कि नहीं? सर्किट को देख के घबराना नहीं है, सर्किट से बाहर आएगा पीओएस, मैक्स टर्म पकड़ लो, खुद मिन टर्म ऑब्जर्व कर लो, डायरेक्ट जाके ढूंढ निकालो। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, उसका नाम अभिलाष है यार, ये मुझे ना ये टीवीएस पिक्चर से इसका नाम नवीन याद है, आई एम सॉरी। अभिलाष को और आपका चश्मा सेम है, जो धैर्य ने अभिलाष को दिया था आपको भी धैर्य ने दिया, तो हर चीज में इसे धैर्य ही याद आई पूरे शो में, जो समझा रहा हूं वही नहीं दिखा, पर चलो। धैर्य से, धैर्य का जितना पार्ट रहा अभिलाष नाम है लड़के का, ठीक है, तो उससे अभिलाष को एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ, मुझे बताओ, एडवांटेज कब हुआ? बेचारा उस समय प्रिपरेशन से भटक गया और उस समय उसने उसको छोड़ा, है ना? चलो, लेकिन अब ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये नहीं उसने उसको छोड़ दिया, प्रॉब्लम ये उसने उसको मन से नहीं छोड़ा था, अगर नहीं छोड़ता तो हो सकता है आईएएस बनता भी ना, इस बात को समझ पा रहे हो? तो लाइफ में हर काम को करने का एक टाइम है ना? गौतम बुद्ध जो है, कहानियां तो मेरे पास इतनी है, गौतम बुद्ध एक बार बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखना है, योगा करना है, ध्यान करना है, सब समझा रहे थे चेलों को। अब गौतम बुद्ध आगे आगे, चेले पीछे पीछे चल रहे हैं, नदी आई बीच में, वहां एक महिला खड़ी हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था नदी कैसे पार करूं, तो सब चेले बोले अपन को तो सोचना भी नहीं, गुरु ने मना किया है। गौतम बुद्ध ने बिना किसी से पूछे महिला को हाथ में उठाया और गोदी में उठा के नदी पार करा दी, चेले का दिमाग घूम गया। चेला कह रहा है हमको तो मना कर रहे थे, गुरु जी हमको बोल रहे देखना भी नहीं है, है ना, खुद गोद में उठा के पार करा दिया। अब शाम हो गई, सभा लगी, गुरु जी बैठे हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, चेलों में बगावत नजर आ रही है, चेले की आंख में बगावत की है, किस बात का प्रवचन दे रहे हैं, जो बोलते हैं खुद करते नहीं है। चेले ने पूछा, महाराज ने पूछा गौतम बुद्ध ने कि भाई क्या दिक्कत है, कह रहा कि हमको मना किए ले तो तुम किस सुबह की, देखना भी नहीं है और खुद तुम गोद में उठा के पार करा दिए। तो गुरु जी बोले अबे मैं तो 2 मिनट के लिए गोद में उठाया था, तू तो अब तक दिमाग में उठाए रखा है, इजंट इट, मैंने 2 मिनट के लिए लिया था, तू तो उसको स्त्री देख रहा था, मैंने तो उसे इंसान मान के नदी पार करा दी, बात खत्म हो गई, तो इस बात की टेंशन तुझे वो लड़की ही क्यों दिखी, है ना? तो पर्सपेक्टिव देखो बात का, देखने का, सोचने का नजरिया है, बात समझ आ रही है? चेले को वो लड़की दिख रही थी, गुरुजी को तो वो इंसान दिखा, समस्या थी नदी पार करा दी, बात खत्म हो गई, चेला अभी तक दिमाग में वही कल्पना कर रहा है, गुरुजी गोद में उठाए घूम रहे। चलिए, तो धैर्य को भूल जाइए, बहुत अगर धैर्य रखेंगे तो बहुत धैर्य मिल जाएंगी, और ये धैर्य पर भी लागू होता है, बहुत अभिलाष मिलेंगे। चलिए इधर आइए, क्या बोला है? ट्रुथ टेबल आपके पास है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल गिवन थी भाई, ट्रुथ टेबल से फंक्शन बनाना था, किस तरीके, अजीब अजीब बातें। बनाऊंगा बनाऊंगा, करूंगा ये सब काम करूंगा। मुझे बताओ जरा, ये जो ऑब्जर्वेशन है
क्या ये तो बच्चों वाला काम है या नहीं, ट्रुथ टेबल देख के मैप भरना, उससे एक्सप्रेशन बनाना, ये किस तरह का सवाल हुआ? ये तो हम पहले कर चुके हैं, है ना, यहां से चालू हुआ ना ये। तो कहां का वन पे वन मिला, वन पे मिला, थ्री पे मिला, फोर पे मिला, सिक्स पे मिला, वन थ्री फोर सिक्स, दो ग्रुप बनेंगे, उसी के हिसाब आंसर बताना है। एक्स बार जेड, नाउ दैट इज एक्स बार जेड, एंड नाउ दैट इज एक्स जेड बार, दैट इज एक्स जेड बार, सी इज द करेक्ट आंसर। मासूम क्वेश्चन, ओके। अगला ऑब्जर्व करिए, ये देखिए फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, अगस्त 2016, बताइए जरा, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या क्या कहानी है। अब आप इसे जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व कर लें, अगेन मन में अजीब खुशी हो रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड बनर्जी भट्टाचार्य जी, वेरी गुड। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, इनको इधर लगा सकता हूं, तो एंड का इनपुट आउटपुट कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, और अब ये बना और, तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, ऊपर से इनपुट आया एक्स बार वाई बार, नीचे से इनपुट आया एक्स वाई, ये है एक्स नॉर, डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बट एक्सोर का उल्टा एक्स नॉर होता है, डी सही आंसर है, बात खत्म। इनके साथ जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उतना ज्यादा चीजों में आप रिलेट कर पाओगे। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? रिक्वेस्ट ओवर रूल्ड, गहलोत साहब, रिक्वेस्ट ओवर रूल्ड, पहले क्वेश्चन आओ, सारी बातें बाद में, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाऊंगा। कोर्ट चल रही है, अलग अलग बातें कर रहे हो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, पैटर्न देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। तो एक्सोर है, इसमें क्या है, इधर से एक्स आया, इधर से वाई बार आया, इधर से एक्स बार आया, इधर से, सी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन है, 2% लोग कह रहे हैं ए सही आंसर है, इतना सब झोल झपाला कर दिया बेटा, तुझे बस और ही नजर आया, कहते और गेट है, तो ये क्या है, टाइम पास करने आया है, कौन है ये ए वाला, इतना सब झोल झपाला किया भाई उसने, इनको भाई को बस और ही नजर आया, ये है। आपका एस्पिरेंट का फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मुझसे स्लैम बुक भरवानी है आपको, फिर मेरे फेवरेट पांच रंग पूछना, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से अगला। देखो हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखा जाता है, ऐसा अभी मैसेज आया, संचित सर इज लाइव, बहुत जल्दी आ गया, मुझे भी कभी कभी लेट आता है। एक बार तो एक बच्चा मुझसे लड़ने के लिए तैयार था कि पता नहीं कहाँ मैसेज कर रहा था, आपकी क्लास दिखा रहा है, मैंने कहा नहीं होगी, कहता नहीं सर दिखा रहा है, मैंने कहा भैया दिखा रहा है तो फिर ऐप ही क्लास ले लेगी, लेनी तो मुझे, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, बात खत्म हो गई, नहीं, कह रहा नहीं सर ऐप दिखा रही है क्लास होगी, मैंने कहा तो फिर तू कर ले भाई। ए बार बी बार ए बी, ये एक्स नॉर है, 83%, बाकी कहाँ गए, इसमें तो कुछ मूव वूव भी नहीं करना, डायरेक्ट नजर आ रहा है, ए बार बी बार ए बार बी, एंड दैट इज ए डॉट बी, बात खत्म थी, कोई बात नहीं। जून भाई कितने क्वेश्चन है यार, जून 2011, ए प्लस बी, और इधर लिख रहा है ए डॉट बी का होल बार किसके इक्विवेलेंट होगा, नाइन्टी सिक्स परसेंट लोग बोल रहे हैं ए, ठीक है,
ऐसे करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, ए बार प्लस बी बार, ए बार से ए बार मर जाएगा, ये बचेगा ए बी बार एंड बी ए बार, आंसर आ जाएगा ए, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, हो सकता आपको थोड़ी तकलीफ हो इसे सॉल्व करने में। इसका आंसर बताइए क्या है। नहीं, इसमें कुछ कुछ में न्यू कंसेप्ट भी है, डोंट वरी, ये हर कोई नया कंसेप्ट ही चल रहा है, बट इसको ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। सौरभ जी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आज तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल हो जाएंगे हमारे। अच्छा, लगभग 80% लोग इसे भी सही करके आए हैं, दैट्स गुड। अभी ये समझ आया ना, घबराए तो नहीं इसमें, ये क्या कह रहा है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता रहा है, बोल रहा है इससे क्या होगा, तो ये एक तरह का क्या बोलूं, डिजिटल के अंदर रिकर्शन बोल दूं, ये बोल दूं डिजिटल के अंदर रिकर्शन पर क्वेश्चन है, तो आउटर से सॉल्व करने से पहले इंटरनल फंक्शन सॉल्व होगा, जहां पर दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज सेकंड ऑपरेंड, सो कैन आई से दैट दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई का होल बार प्लस वाई कॉमा जेड आफ्टर सॉल्विंग दिस इनर फंक्शन फर्स्ट, पहले ऑपरेंड का बार करो प्लस दूसरे को डायरेक्ट ऐड करो, यस। फिर दोबारा यही करो, x प्लस वाई का होल बार प्लस वाई पहले पर बार करो फिर दूसरे को ऐड करो, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या आंसर आया, करूं क्या? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का डबल बार डॉट वाई बार प्लस जेड, नाउ दैट विल गेट कैंसल्ड आउट, तो एक्स वाई बार प्लस जेड, चलो तो आसानी है, आंसर आ जाएगा सी, फॉलो कर पा रहे? अच्छा, अब ये दो चार अलग तरह के क्वेश्चंस थे, जैसे ये क्वेश्चन थे, दो फंक्शन देगा आपको और फंक्शन मिन टर्म्स की यू नो टर्म में पहले से रखा हुआ है, मिन टर्म्स की टर्म्स में फंक्शन है और आपको बोल रहा है एफ वन डॉट एफ टू या एफ वन प्लस एफ टू, इस तरह का कुछ बताओ, कैसे करोगे? तो मैंने हालांकि पीपीटी में फॉर्मेट पहले से बना के रखा है, तो यू नो इट इज लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इट इज लाइक यूनियन इंटरसेक्शन भाई, और गेट का मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन होगा चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हो, एंड में कॉमन देख लो, टू कॉमन है और फाइव कॉमन है, दैट इज इट, टू और फाइव कॉमन है, इधर और करना है तो वन आया, टू आया, थ्री आया, फोर आया, फाइव आया, सिक्स आया, अगर ऐसा नहीं तो पूरा टेबल बना के कर लो, नाउ दिस इज एफ वन, दिस इज एफ वन एंड दिस इज एफ टू, इजंट इट, एक तरफ और कर लिया, एक तरफ एंड कर लिया, मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अभी कर लेंगे, डोंट केयर भी, डोंट वरी, ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, तो हमारा बाबू कह रहा है कि डोंट केयर वाले में डाउट आ रहा है, इसमें डोंट केयर था, तो मैं फालतू बात नहीं पूछता आपसे, डोंट केयर को डायरेक्ट सॉल्व करना बता दो, इसमें क्या फिर डाउट रह जाएगा आपको, क्या लिखूं, और डोंट केयर प्लस वन, डोंट केयर इंटू वन, डोंट केयर प्लस, डोंट केयर इंटू डोंट केयर, बताने जरा क्या क्या भरूं, डोंट केयर इंटू जीरो विल बी जीरो, डोंट केयर प्लस जीरो विल बी डोंट केयर, अगर आपको आइडेंटिटी लॉ समझ आते हैं तो आप ये भी कर लोगे, डोंट केयर प्लस वन विल बी वन, डोंट केयर इंटू वन विल बी डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर, कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये दोनों डोंट केयर है ना, डोंट केयर इनटू डोंट केयर विल बी डोंट केयर, है ना, तो अकॉर्डिंगली टेबल फिल कर सकते हैं क्या?
वन को जीरो से जीरो को वन करने से तो आपको आता है। जहां तक बात डोंट केयर की, वो भी कोई बहुत नई कहानी थी, आप ध्यान से सोचेंगे आपको समझ आएगा। कॉमन सेंस एक इतनी बड़ी शक्ति दी है भगवान ने, जो आप सभी के अंदर है, बस इस्तेमाल करना है और क्या है। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट दैट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई मस्ट से। ये वाला केमैप ट्राई किया आपने? उल्टा क्वेश्चन है, मजेदार है। कह रहा है मिनटम पता है, रिजल्ट पता है, बताओ डोंट केयर क्या थी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया क्या? क्या आंसर है इसका? सी है। चलिए जरा एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। 3, 5 एंड 6 आर देयर, और पेयर जो इसने बनाए बालक ने वो क्या बनाए? एक बनाया ए और दूसरा बनाया बी सी। अब आप मुझे बताएं, ये पेयर बनाने के लिए 100% 4 और 7 पे तो डोंट केयर चाहिए ही चाहिए, यस और नो? तो जिसके पास 4 7 नहीं, उसे तो कर दो बाहर, यस। अब ये बोल रहा है कि नहीं, 2 पर भी डोंट केयर था, बताओ ये गलत क्यों है? ये कह रहा है 2 पर भी डोंट केयर था, गलत क्यों है? भाई साहब, अगर 2 पे डोंट केयर होता तो मैं 2 का क्यों बनाता, 4 का बना लिया होता ना, बी सी की जगह सिर्फ बी आंसर होता। तो मैं दोनों पे श्योर हूं कि 4 और 7 पे डोंट केयर था, पर 2 पे डोंट केयर नहीं था। सी ही सही आंसर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हाँ, वो मैं कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उनका नाम लूं, तो मैंने जाने दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो फिर सबका गलत हुआ होगा ना। चलिए, गेट 2019, गेट 2019, इसको लग रहा है कि ये सब ड्रामा करेगा तो हमारा बच्चा डर जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ इसका आंसर क्या है? अच्छा, अभी शो करा देते हैं। क्या बात है, 26 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे आज हम। 26 में से 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23। हे भगवान, नेक्स्ट लेवल कंपटीशन चल रहा है भाई। ओ भाई, ये देखो, विभोर ने 26 में से 25 क्वेश्चन सही सॉल्व किए, वो भी मैंने गलत करा है 3.8 सेकंड में। इसको मैं पानी के जहाज से उल्टा लटका दूं। 26 क्वेश्चन 3.8 सेकंड में ये बच्चा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाया है। वेरी गुड, यस गुड। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, F1 और F2 का एंड करना, तो एंड पे क्या मिलेगा भाई? एंड पे क्या मिलेगा? एंड पे क्या मिलेगा जो दोनों में कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है 2, और कौन है, और कौन है? दोनों में कॉमन है 8 14, 2 8 और 14, बस ये मिलेगा, यस। इधर क्या मिलेगा? F3 पे 2 7 11 और 14, 2 7 11 और 14। XOR क्या होता है? XOR क्या होता है? कॉमन नहीं होना चाहिए, या तो पहले में हो या तो दूसरे में हो। एग्जॉर क्या होता है?
कॉमन नहीं होना चाहिए, या तो पहले में हो या तो दूसरे में हो। तो बाबू टू नहीं चलेगा, सेवन चलेगा, एट चलेगा, इलेवन चलेगा, 7 8 11, 7 8 11, ए सही आंसर है, दो नंबर हमारे हुए। हाँ शुभम, क्या डाउट है बताओ। वेरी गुड। इस सब्जेक्ट में फुल मार्क बिल्कुल ला सकते हैं अभी, हालांकि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है अभी। एक बात आप समझ रहे हो, अभी कायदे से आपने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आता है भाई। सब्जेक्ट तो तब स्टार्ट होगा जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे, इजेंट इट? यस, बट वो भी आसान है, बात समझ आ गई तो आसान है, फिर क्या है। अब ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या भाई? अच्छा उल्टा कर रहा है, F1 F2, और ये F3 आपको बता रहा है। व्हाट इज F3? F3 में है 1 6 और 15, तो और F में है 1 6 8 और 15। तो एक बात तो पक्का है, 1 6 15 तो नीचे से भी मिल सकता है, इधर 8 तो होना ही चाहिए, उल्टा बैकट्रैक करना पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 में 4 5 6 7 और 8 है, ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आप सिलेक्शन एलिमिनेशन बोल रहे हो 6 और 8। ओके लेट मी फिगर इट आउट, 6 और 8 में दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? 6 और 8 दोनों आ जाएगा, बट 6 क्योंकि नीचे से भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 6 8 और 15 रिजल्ट में होगा, 6 और 8 सही है। इसके अलावा किसी को लग रहा है कोई और सही हो तो उस पर बात कर सकता हूं, 4 वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 4 लोगे तो 4 भी रिजल्ट में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इन सब में ही 4 है, अकेले 4 से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। यस और नो? यस यस। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2005, बताओ आंसर क्या होगा। नहीं ऐसे ही बता दो बिना पूल के। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? रिजल्ट में चाहिए टोटोलॉजी, इधर से आ रहा है एक्स वाई, बोल रहा है इधर क्या, सॉरी सिर्फ एक्स वाई नॉट बार, बोल रहा है इधर क्या रखूं कि रिजल्ट 1 हो जाए। आप बोल रहे हो इधर क्या रखो, इधर नैंड रख लेते हैं, तो एक्स वाई का बार। अब अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स, अब किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो 1 ही मिलेगा ना। 100% ए इज द करेक्ट आंसर। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे? अच्छा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ तब भी फर्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी। अगर ये प्लस है, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस ना, ठीक है ये प्लस है, तो इस पे इसको एक्सपेंड कर लो, आप तो नैंड बोल रहे हो ना, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, दैट इज एक्स बार प्लस वाई बार। नाउ एक्स बार प्लस एक्स इज 1 एंड 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तब भी होल्ड करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सदगुरु कह रहे हैं क्या डी पे होल्ड कर रहा है क्या, एक्सोर है तो ये क्या है, या मैं मिन टर्म में कर लेता हूं, एक्स इंटू वाई 3 3 है, एक्सोर करेंगे तो 1 और 2 मिलेगा, नहीं होगा। सदगुरु आप मेडिटेशन नहीं कर रहे आजकल। सदगुरु गेट 2005 1 मार्क क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट है, आपको बताना है कि क्या रिजल्ट में हर कोई वेरिएबल आएगा कि नहीं आएगा। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। अगेन यहां पे भी अगर थोड़ा सा आप करें, ये बबल इधर गया, ये बबल इधर गया, ये भाई साहब कौन बन गए, और तो फंक्शन क्या बना, x डॉट y बार
और एक्स सॉरी वाई जेड, ये बात समझ पा रहे हैं क्या? एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई जेड, ये रिजल्ट आएगा, यस और नो? यस, आप इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन कर लें, आप किसी को नहीं हटा सकते, ना एक्स हटेगा आंसर से, ना वाई हटेगा, ना जेड हटेगा, तो भाई साहब फंक्शन किसी से इंडिपेंडेंट नहीं है, आंसर है डी। बात समझ आ रही है? एक छोटा सा आइडिया देखिए, अब आपको बताना है भाई, आज मैं थक गया, इतना बोल बोल के, इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन, आप भी थक गए होंगे। कोई बात नहीं, ये थकान बाद में काम आएगी। इधर आइए जरा, ये एक्सप्रेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे बताएं। एक्स जेड बार, ये एक एक पेयर इसने बनाया, वाई बार जेड बार लाइक दिस, उसके बाद वाई जेड लाइक दिस, और उसके बाद एक्स 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 जेड लाइक दिस, है ना? अब ये जो जिस तरह से इसने पेयरिंग की है, आप मुझे बताएं क्या इन चारों में से कोई भी एक टर्म आप हटा सकते हो? क्या इन चारों में से कोई भी एक टर्म हटाया जा सकता है? नहीं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक मिनट रुकिएगा, बहुत पहले किया था हालांकि, बट अभी मिल जाएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद है आपको? इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन इसने हमें दिया, क्या यहां एक पूरा टर्म हम इग्नोर कर पा रहे थे, हटा पा रहे थे? हाँ, ये पूरा टर्म हम हटा पा रहे थे, है ना? तो मैं मिनिमैलिटी की बात नहीं कर रहा, बस एक आइडिया पूछ रहा हूं। इस फंक्शन को हम बोलेंगे रिड्यूसेबल या इररिड्यूसेबल, एक नई टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं आपको। इस फंक्शन को बोलेंगे रिड्यूसेबल, वेरी गुड, द फंक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसेबल बिकॉज यू कैन एलिमिनेट अ टर्म डायरेक्टली, एक टर्म डायरेक्टली हट पा रही है, यस और नो? द फंक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसेबल बिकॉज यू कैन एलिमिनेट अ टर्म डायरेक्टली, यस? नाउ अगेन लेट मी कम बैक टू द प्रेजेंट सिनेरियो, जो क्वेश्चन हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मेरा ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन रिड्यूसेबल है, मुझे बताएं? नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट रिड्यूसेबल, सो नाउ कैन आई से दिस इज इररिड्यूसेबल और इररिडंडेंट? एक ही बात है, इररिड्यूसेबल और इररिडंडेंट। तो अ फंक्शन इज सेट टू बी इररिडंडेंट अगर आप वहां से डायरेक्ट कुछ एलिमिनेट ना कर सकें, बट इज इट अ मिनिमल, इज इट ऑप्टिमल फंक्शन, मिनिमल फंक्शन? नो। क्यों? बिकॉज अब आप भी देख रहे हैं, आपका खून खौल रहा होगा कि कैसे इसने पेयरिंग किया है। क्वाड बनाओ, है ना, और एक ये ग्रुप चलेगा, इसको बना लो, इसको बना लो, ये मैंने ऑलरेडी ऑप्टिमल करके लिख दिया। तो एक्स बार एक्स आपको मिल जाएगा, वाई जेड मिल जाएगा, वाई बार जेड बार मिल जाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो बस एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी मुझे आपको बतानी थी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कैन आई से लाइक दिस, एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन का एक सबसेट होगा जिसको बोलेंगे इररिडंडेंट एक्सप्रेशन। नाउ व्हेन यू से अ फंक्शन इज इररिडंडेंट, जब आप उससे कोई भी टर्म रिमूव ना कर सको, और उसका भी एक प्रॉपर सबसेट होगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमल। यस, नाउ दिस दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग।
मिनिमल होगा तो इररिडंडेंट भी होगा, इररिडंडेंट है तो मिनिमल हो, ये जरूरी नहीं है, समथिंग लाइक दिस। हालांकि इस पैटर्न पे कभी क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, बट ये एक छोटा सा टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा मान के जस्ट मैंने दो स्लाइड इंक्लूड किया है इसका। इफ समबडी आस्क यू ये दिस दिस टर्म इज, ये कभी टच नहीं किया है ना गेट में ना नेट में, बस हल्का सा आइडिया हो इसलिए बता रहा हूं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सबसे आउटर सर्किल का नाम है एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन यू कैन से, सिंपल एक्सप्रेशन। जब मैं उसको इररिडंडेंट या मिनिमल नहीं बोल पा रहा हूं, क्या करूं मतलब? मैं अब उसे क्या पूछ रहे हैं? एक्स है या नहीं सर? क्या क्या रिडंडेंट की बात पूछ रहे हैं? एक्स जेड बार प्लस एक्स जेड, क्या इसमें से कोई टर्म आप पूरा देखिए, अब आप उसके मल्टीपल लेवल लिखिए ना, आप मुझसे या तो इसके बारे में पूछिए, या तो आप मुझसे इसके बारे में पूछिए, या तो आप मुझसे सिर्फ एक्स के बारे में पूछिए। किधर पूछेंगे? अगर इधर पूछेंगे तो बोल लूंगा हाँ रिडंडेंट है, क्योंकि मैं किसी भी टर्म को डायरेक्टली थोड़ी हटा सकता हूं। बताइए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? करेक्ट नेम इज इररिडंडेंट। कोई भी फंक्शन इररिडंडेंट होगा जिससे आप किसी भी टर्म को ऐसे ही नहीं हटा सकते। मेरे मेरे बुरे वक्त थे, मेरा पाप कर्म था जो मैंने ये टर्म बोल दी। मत करो प्लीज। सब वैज्ञानिक शुरू हो गए एकदम। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। रिडंडेंट इररिडंडेंट, चंकी पांडे याद है डीबीएमएस का? किसी के होने या ना होने से अगर फर्क पड़ रहा है तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बस ऐसा पूछ रहा हूं, किसी के होने या ना होने से फर्क पड़ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वो इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी फंक्शन में सारे टर्म ऐसे हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट साबित कर रहे हैं, तो क्या उस फंक्शन को इररिडंडेंट बोलूंगा? जी हाँ, इररिडंडेंट जिसमें कोई रिडंडेंसी ना हो। अब चाहे ये एग्जाम्पल या स्वामीनारायण ने जो ये एग्जाम्पल दिया है, इन में से क्या मैं किसी भी टर्म को इग्नोर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। फंक्शन है कैसे कर दूंगा? इग्नोर नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब इसके अंदर रिडंडेंसी है? नहीं है, क्योंकि नहीं कर पा रहा, हर कोई इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये इररिडंडेंट है। इररिडंडेंट जिसमें रिडंडेंसी ना हो। अब मैं फंक्शन लिखता हूं ए प्लस ए बी, बताओ क्या इसमें किसी एक को भगा सकता हूं यहां से? हाँ, किसको भगा सकता हूं? ए बी को भगा सकता हूं। इसका मतलब ये फंक्शन रिडंडेंट है, तभी तो इससे बाहर निकाल दिया इसको। यस, लेकिन अब स्वामीनारायण ने ये भी बताया कि इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक्स भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या इररिडंडेंट होना मिनिमल होना एक बात है? नहीं, हो सकता है इररिडंडेंट बाद में ऑप्टिमाइज हो जाए, ये देखो सबसेट नजर आ रहा है, बट इररिडंडेंट से डायरेक्टली कोई टर्म हटाई नहीं जा सकती। इररिडंडेंट से डायरेक्टली कोई टर्म हटाई नहीं जा सकती। बात समझ आ रही है?
हमारा जो वैज्ञानिक विभाग है, नॉर्मल नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको समझ आ रहा है। ओके, एब्जॉर्प्शन लॉ, चूस लेता है ये, सुखा देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ए प्लस ए बी, अच्छा अभी इसी का नाम लिया था, अब ये समझाने की जरूरत है क्या? ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? वन प्लस बी, नाउ दैट विल बिकम वन। सिर्फ नाम याद करा रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो बहुत महान हो। दूसरा, ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, कोई सबूत है इस बात का? डुअलिटी का सिद्धांत हमारे पास है, द आइडिया ऑफ डुअलिटी, दोनों एक दूसरे के डुअल हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, हो जाएगा। यार गेट 100 नहीं मानेगा सर, जेड तो इसमें गायब नहीं हो पाएगा, तो रिडंडेंट, गॉट इट, जेड तो गायब नहीं हो पा, हाँ मतलब आप सेटिस्फाइड है ना, आपने लास्ट में गॉट इट लिख दिया तो आप सेटिस्फाइड है। यस, मेरा सलाम कबूल करिएगा। इधर आइए, कंपनसेशन थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम। अब ये वो सारे शब्द हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, ना। गेट वालों को फर्क नहीं पड़ता, वो आपके कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं। ये कहता है कि अगर ए बी है, ए बार सी है और बी सी है, तो बी सी को इग्नोर किया जा सकता है, ये बाकी इसको कंपनसेट कर रहा है। ए बी इज देयर, ए बी ए बार सी इज देयर, देन बी सी कैन बी इग्नोर्ड। ये फॉर्मेट आपको ढूंढना पड़ेगा, ये फॉर्मेट ढूंढने में ऐसी तैसी हो जाएगी हमारी। इससे बढ़िया तो मैं के मैप बना के ना सॉल्व कर लूं। मुझे बताओ, जब मैंने आपको तपस्या के बाद ब्रह्मास्त्र पहले अर्पित कर दिया है, तो जब मन होगा ऐसे जैसे दिखाते हैं ना, मंत्र पढ़िएगा, के मैप का बाण चला दीजिएगा, बात खत्म। ये छोटे छोटे तीर कमान अलग से देने का जरूरत नहीं है, है ना? अगर ये सही है तो ये क्यों सही है? द आइडिया ऑफ डुअलिटी, अगर वो सही है तो ये इसका डुअल है भाई। बाकी नाम है, अब आप चाहें तो इस बात को याद कर लें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कोई पूछने का कोशिश करे। इसका एक और वेरिएशन है, लुक एट दिस, ये भी एक आइडिया है। ए प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये इसका डुअल है, आप दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यस, अब इस तरह का क्वेश्चन कौन पूछता है? ये पूछा, लुक एट दिस क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा सेज, बताओ इसका आंसर क्या है? इसमें से किसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ? बस ठीक है, फिर पोल की जरूरत नहीं है, आंसर इज सी। ये ऊपर वाले तो दोनों कौन है, ऊपर वाले दोनों कौन है? आइटम इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ एक ये क्वेश्चन है, मैंने यहां क्यों रखा, अगेन आपकी मर्जी है, जैसे जैसे सॉल्व कर लो। बोल रहा था नंबर ऑफ मिन टर्म आफ्टर मिनिमाइजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, कितने मिन टर्म होंगे? वेरी गुड, तो क्या कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है या इसको सॉल्व कर लें पूरे को? मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व कर लो और लास्ट में सारा आ जाएगा, जो बचेगा वो फर्जी है। यस, डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए, इसमें से ओके, तो कहना ही गो लाइक दिस, इधर ए सी बार है ना, सॉरी इधर है ए बार सी एंड इधर है ए सी बार, दोनों सेम नहीं, एक सेकेंड, कैन आई गो लाइक दिस,
इधर से अगर मैं एक कॉमन निकालू तो बच ए और डी कॉमन निकाल लेता हूँ, ए डी दोनों कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं ए नहीं है, सी बार डी कॉमन निकाल सकता हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बट फिर मेरा मन कर रहा है। सी बार डी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, बचेगा ए प्लस ए बार। यस, अगले स्टेज में क्या बचेगा, डी प्लस ए बार बी, और इधर से मैं क्या कर सकता हूं, ए बार मेरे पास है, ए बार सी है एंड सी बार डी है, ये बचेगा। एक बार देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या। यस, अब अगर इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें और ए के टर्म्स को ऑब्जर्व कर लें, इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें या इन दोनों टर्म को ऑब्जर्व करें, लुक एट दिस, डी बार एंड सी बार डी, ए प्लस ए बार बी था ए प्लस बी, याद है आपको, तो डी बार प्लस सी बार डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बार प्लस सी बार प्लस ए प्लस बी बार ए बार सी, अगेन ए प्लस ए बार सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी बार एंड देन ए बार सी। अच्छा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी, सी एंड ए बार सी बार, ये क्या हो जाएगा, डी बार सी बार प्लस ए बी बार एंड ए बार। यस, एंड नाउ दिस एंड दिस, डी बार सी बार बी बार ए बार, इस टोटल पे है बार। नाउ दिस इज ए डबल बार बी डबल बार सी डबल बार डी डबल बार विल गेट कैंसल्ड आउट, यू गेट ओनली 1 मिनट। बट अगेन ये सब टेक्निक आपको एग्जाम में याद रहे, आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन बाद में इसलिए रखा कि एब्जॉर्प्शन लॉ के एप्लीकेशन से इसे सॉल्व किया जा सकता है। यस, पर सवाल ये कि भाई जरूरत क्या है, के मैप बना लो ना यार, वहां फंस गए तो इजेंट इट, फंस सकते हो ना इसमें बीच में, तो मैं फिर वही एडवाइस करूंगा कि मैं आपको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे आपको बचा के ले आएगा। जी हाँ, उसके बाद ये फिर इसी तरह का एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लोगे, शायद मैंने इसीलिए लिखा कि आप उस आइडिया पे काम करो, बट दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट अबाउट दिस, अप टू हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन अ के मैप बी यूज्ड इन आइडल कंडीशन। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको जवाब तो खैर थ्योरी के हिसाब से देना पड़ेगा, वैसे थोड़ा सा एम्बिगियस है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या, 5 के लिए भी के मैप बना सकते हैं, उसके लिए 4 4 के 2 के मैप अपन बना लेते हैं, है ना, और क्या 6 के लिए भी बना सकते हैं, हाँ उसके लिए 4 4 के 4 बना सकते हैं, है ना, बट आई थिंक इसका सही आंसर डी होना चाहिए, आई थिंक सो, बिकॉज 6 से ज्यादा मेरे को याद नहीं, आई थिंक 6 से ज्यादा बनाना तो वैसे बना तो सकते हैं बट वो कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, तो फिर इसका आंसर इसका आंसर फिर बी होना चाहिए, बिकॉज वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप अलग अलग एक बार में 4 का बनता फिर आपको बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये शायद एक स्टैंडर्ड 4 मान के चल रहा होगा, तो शायद फिर इसका आंसर इसने बी माना होगा। सर गेट पे 4 वेरिएबल का के मैप पूछता है क्या, अब इतने क्वेश्चन सॉल्व करे कोई मिला क्या, और मिलता तो मैं उसको छोड़ता क्या, बताओ ना, मेरी नियत पे शक कर रहे हो क्या आप, भाई कुछ छोड़ा नहीं, आज जो मिला वो करा दिया मैंने, मेरा नुकसान होगा, चलो सब कुछ सिखा दिया, 5 वेरिएबल वाला नहीं सिखाया, अब आएगा मजा, लास्ट मोमेंट पे बोलूंगा, मेरा क्या फायदा भाई, तो होगा तो सिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई साहब ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, अब जो अगला चैप्टर है ना,
वो है फंक्शनली कंप्लीट वाला चैप्टर। कोई क्वेश्चन रहता है क्या? अच्छा एक सेकेंड, नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। ओके यस, एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, ठीक है बताओ आंसर क्या है। इसमें कौन सा कुछ महान काम हो गया होगा। MSQ है, कोई बात नहीं, कैसा भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस इज और आर इक्विवेलेंट टू एफ, एफ के इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, सब लोग बता रहे हैं, तीन सही हैं, ए बी सी। आपने सॉल्व किया, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, वरना बात खत्म हो गई। अच्छा ए सी डी है, माफ कीजिएगा। ओके ए सी डी सही आंसर है, ठीक है। इसका नंबर नहीं पता, आई थिंक 2 नंबर का रहा होगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो इस पे करनी पड़ेगी। बट अब आप मुझे बताएं, बस ये बताओ इस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। आपको पता है 2 मिनट ज्यादा लगेगा कम लगेगा, बट अपन इसे बना लेगा, कुछ नहीं है ये मैथमेटिक्स है। यस और नो, ये मैथमेटिक्स है। अच्छा अब जो ये अगला सेक्शन है, इसमें लगेगा अभी अपने को थोड़ा समय, फंक्शनली कंप्लीट वाला। इसको एक बार जरा ऑब्जर्व करिए, यहां पर बहुत सारे आइडियाज हैं। हाँ मैं डाल दूंगा सदगुरु, तो नाम आपने ऐसा रख लिया, ठीक है। तो फंक्शनली कंप्लीट क्या होता है, उसके बाद एंड और नैंड और नॉर जो दो हमारे यूनिवर्सल गेट है ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज, उस पर थोड़ा सा काम करना है। तो उसमें लगेगा अपने को आधा घंटा लगेगा, और फिर हम पहुंच जाएंगे किसकी दुनिया में, फिर हम पहुंच जाएंगे इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का पीपीटी भी ऐड किए देता हूँ, क्योंकि कल आपकी सुबह तो क्लास है नहीं, तो कुछ होमवर्क करिए बैठ के, इजंट इट। और इट इज अ लॉन्ग पीपीटी, इट कंटेन्स 123 स्लाइड्स, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एडर टू लाइक मल्टीप्लेक्सर, लाइक डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर डिकोडर सब कुछ है इसमें। मैं अपडेट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डोंट वरी, अपडेट में भी डाल दूंगा। जरा इस पे थोड़ा सा होमवर्क करिए और कल इसको मार गिराते हैं। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, कल आपकी मैंने, हाँ मैंने मॉर्निंग वाले बैच में बता दिया था, भूल गया, कल आपकी स्पेशल क्लास है भाई सुबह, डीबीएमएस वाली जो पेंडिंग थी ना। हाँ कल आपकी स्पेशल क्लास है 8 से 9 है, तो 1 घंटा ज्यादा सो लेना अगर आपका मन है, वरना तो सुबह उठ के पहले पढ़ाई करना। रुकिए, 62 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि सुबह वाले बैच में कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। इसको प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, इस क्लास को क्लिक कर दीजिए। यस, तो जो एलजेब्रा हमने कंप्लीट कर लिया था, एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते थे वो सॉल्व कर लेंगे। हाँ स्पेशल क्लास की भी रिकॉर्डिंग रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशल क्लास की भी रिकॉर्डिंग रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ओके बाय बाय। यार डी का बुक मुझे मिल नहीं रहा, चलो मैं देखता हूँ, आप में से किसी के पास होगा तो मुझे बताना, PDF मॉरिस मैनो का या आरपी जैन का, किसी का भी, मैं देखता हूँ। फिर भी CK कोर्स का भी स्लॉट नहीं मिल पा रहा, देखते हैं। यस है तो मुझे मेल करना, sanchit@knowledgegate.in, sanchit@knowledgegate.in मुझे मेल करना हो तो। ओके हाँ फंक्शनली कंप्लीट कल करेंगे।